मैं जब पेश कर रहा हूँ, मिलके बलम तरीन सलावात पढ़िएगा। कत्ले शबीर से अनजान बने बैठे हैं, कत्ले शबीर से अनजान बने बैठे हैं। भाई ये क्या साल बाद आप ऑर्गन में अजादारी मातमदारी मदद सेंदे कुर्बानी पेश कर दी, अब क्या जरूरत है सारा साल सारे सवा दो महीने जो है आप मातम करते हो अजादारी करते हो। कहते हैं ऐसे लोग, सुनिएगा, कत्ले शबीर पे अनजान बने बैठे हैं, कत्ले शबीर से अनजान बने बैठे हैं। और देखिएगा अगला मिसरा, कत्ले शबीर से अनजान बने बैठे हैं और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं। जी हाँ सलामत है, किसी कमीने का मोहताज ना हो, दोनों हाथ उठाने का जवाब देना। जान बने बैठे हैं, कत्ले शबीर और जुल्म देखिए और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं, कत्ले शबीर से जान बने बैठे हैं। ये शेर देखेगा, मुताए बा कभी मुताए बा कभी इरफान नहीं है जिनको, मुताए बा कभी इरफान नहीं है जिनको, आज वो हाफिज कुरान बने बैठे। कुरान बने बैठे हैं, कत्ले शबीर से अनजान बने बैठे हैं। मिकाई आज जो लेट आया है और ये तुझे कलाम ये रिकॉर्ड कर रहा है ना, ये पढ़ा कर, ये बड़े कीमती कलाम है, ये मैंने ये कैस्टों से सुन सुन के दिए, ये खुदा की कसम उस्तादों की जूती सीधी कर करके ये सब जो मिले उनकी दुआओं से मिले, ये सैयदा का कलम है। हाँ, और जब तू पढ़ेगा ना फिर मिकाईल बन के जिब्राईल बन जाएगा। नाम की बात नहीं कर रहा, मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। और ये शेर जन्नत के बाहर एक बैरियर है, जन्नत के बाहर बैरियर, वहां पे बड़ा हुजूम है, सब कह रहे हैं हमें जन्नत जाने दो, हमें जन्नत जाने दो, हमने तो बड़ा काम किया जन्नत के लिए, बड़ी इबादतें की, बड़ी रियाजतें की, बड़े उमरे, बड़े हज, बड़े चक्कर, लोगों को भी दिए, खुद भी काटेंगे, बड़ा कुछ किया। अब वो जो वहां का पहरेदार है ना, उसने कहा ठहरो, मैं पूछ के आया तो मैं आगे भेजना कि नहीं भेजना, वो आया पूछने। अब जो रिजवान ने जवाब दिया ना वो सुनिएगा, आप उर्दू सुनने वाले हैं, तो मुहावरा मुहावरा है इसमें, आप जो सुनेंगे मुहावरा सुनिएगा, शेर पेश कर रहा हूं, कि दुश्मनी है दरी करार को जन्नत की तलब। वो कह रहा सर, वो कह रहे हैं कि हमें भेजी जन्नत भेज, भगवान ने कहा ठहरो, दुश्मनी है दरी करार को जन्नत की तलब। दा चाहो तो आपसे दुआ चाहो, दुश्मनी है दरी करार को जन्नत की तलब, अरे बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे। Oh!
और एक दुआ कर रहा हूँ आप ही साथ दुआ में तारीफ कीजिएगा के साकिने गैबत कुबरा किसी मुख्तार को बे साकिने गैबत कुबरा किसी मुख्तार को बे लोग हर मोड़ पे मरवान बने बैठे और उस पर भी मुसलमान बने बैठे और आखिरी शेर इस मतलब का पेश कर रहा हूँ समाप्त फरमाइएगा ये शेर देखिएगा ये आप खड़े होकर भी दांत देंगे ना तो दांत छोटी है इतना बड़े शेर के जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई हद भी नहीं जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई हद ही नहीं दरे ज़हरा के वो दरबान बने बैठे शुक्रगुजार शुक्रगुजार ये जो बार बार उठ के दांत दे रहे हैं ना ये नहीं उठ रहे लेकिन इनका फोन इनको मजबूर कर रहा है गली के नारा लगाते हैं ना बोल नारा वो नहीं लगाते उनका खून उनको मजबूर करता है और ये भी हकीकत है कितना आप तारीफ कीजिएगा वो जो अली का नाम सुन के मुंह बिगाड़ लेते हैं वो उनका खून उनको मजबूर करता है हर बंदा अपने अपने खून के हाथों मजबूर है हाँ तो जिसे कोई मजबूरी नहीं दोनों हाथ उठा के बोले है अली।